ज्ञान की चार बातें। एक बार की बात है, एक राजा साहब के पास एक बहुत बड़ा सुंदर और विशालकाय महल था। उस विशालकाय महल में एक सुंदर सा बगीचा था और सुंदर बगीचे में अंगूर का एक पेड़ था। पेड़ पौधों की देखभाल के लिए एक माली भी बगीचे में रहता था। माली इस बात से बहुत परेशान था कि अंगूर के पेड़ पर रोजाना एक चिड़िया आती थी और अंगूरों पर इस तरह से आक्रमण करती थी कि जो मीठे मीठे अंगूर थे उसे तो वह खा लेती थी, लेकिन जो आधे पके और खट्टे अंगूर थे उसे वह जमीन पर गिरा देती थी। माली को यह चिंता होने लगी कि अंगूर के पेड़ को यह चिड़िया एक दिन तबाह और बर्बाद कर देगी। उसे अंगूरों को उस चिड़िया से बचाने के लिए बहुत प्रयास की, लेकिन कोई उपाय न सूझा। माली आखिरकार राजा के पास पहुंचा और उसने पूरी घटना बताई। राजा ने कहा, माली साहब आप टेंशन ना लें, आपका काम मैं खुद करूंगा। राजा साहब बगीचे में पहुंचे और अंगूर के पेड़ के पीछे छुप गए। जैसे ही चिड़िया आई, राजा ने फुर्ती दिखाते हुए चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही राजा ने चिड़िया को पकड़ा, चिड़िया ने राजा से कहा, हे राजन मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की चार बातें बताऊंगी। राजा बहुत गुस्से में थे, बोले पहली बात बता। चिड़िया ने कहा, अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने ना दे। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, कभी भी असंभव बात पर यकीन ना करे। राजा ने कहा, बहुत हो गया, चल तीसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, बीती बातों पर पश्चाताप ना करे। राजा ने कहा, अब चौथी बात बता, खेल खत्म करता हूँ, बहुत देर से परेशान कर रही है। चिड़िया ने कहा, राजा साहब आप मुझे जिस तरीके से पकड़े हुए हैं मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आप थोड़ा सा छोड़ देंगे तो शायद मैं चौथी बात बता पाऊं। राजा ने हल्की सी ढील दी और चिड़िया उड़कर डाल पर बैठ गई। चिड़िया ने कहा, राजा साहब मेरे पेट में दो हीरे हैं। अब राजा पश्चाताप करने लगे, उदास हो गए। राजा की शक्ल देखकर चिड़िया ने कहा, राजा साहब अभी मैंने आपको चार ज्ञान की बातें बताई थी, अपने शत्रु को कभी हाथ में आने के बाद छोड़े ना, आपने हाथ में आए शत्रु को छोड़ दिया। दूसरी बात बताई थी, असंभव बात पर यकीन ना करें, आपने यकीन कर लिया कि मेरे छोटे पेट में दो हीरे हैं। तीसरी बात बताई थी कि बीती हुई बात पर पश्चाताप ना करें, पर आप उदास हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, जबकि मेरे पेट में हीरे हैं ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसको लेकर आप उदास हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उस चिड़िया ने चार बातें सिर्फ राजा को ही नहीं बल्कि हम सबको भी बताई है। हम सभी बीते हुए बातों पर कई बार पश्चाताप करने लगते हैं, पास्ट में रहते हैं और फ्यूचर की सोचते भी नहीं हैं। प्रेजेंट में रहना शुरू कीजिए। जिंदगी में जो कुछ हो चुका है उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो होगा उसे आप बदल सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस स्टोरी से मोटिवेट हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।